आप अपने बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं, मतलब टॉपर कैसे बन सकते हैं, इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखो ऐसे चार मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपको टॉपर बना सकती है, इसलिए बाबू इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बस चार मैं आपको तरीका बताऊंगा, इन चारों टिप्स को आपको फॉलो करना है और देखिए 480 प्लस मतलब टॉपर आप बनेंगे इस साल, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, आपको अपना सिलेबस से क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटना, उनको समझना, उनका नोट्स बना लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में लड़ते हैं। तो अपने सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी बुक है, उन सभी से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट ले, उसको उसका नोट्स बना ले, उसको याद कर ले, समझ ले। और दूसरी बात है, गाइड से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना है, गाइड से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छांटना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, देखो गाइड क्या होता है कि मार्गदर्शक होता है, गाइड से 50% कम से कम क्वेश्चन लड़ जाते हैं, इसलिए गाइड से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, गाइड आता है एग्जाम से पहले सब चलाता है, उससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट ले। और तीसरा, आपको लैंग्वेजेस पर ध्यान देना है, जिन प्रश्नों को आप याद करें उनको अपने भाषा में लिखे, अपने भाषा में याद करें, अपने भाषा में समझे, जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप अपने भाषा में लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अगर किताबी भाषा छाप देंगे आंसर तो आपको 5 नंबर का होगा, 3 नंबर मिलेगा, इसलिए जब भी आप प्रश्नों को याद करें अपने भाषा में, उसको समझे, अपने भाषा में लिखे। और चौथी बात है, आप अपना राइटिंग सुंदर कर ले और राइटिंग स्पीड मेंटेन कर ले। राइटिंग स्पीड कहने का बस इतना सा मतलब है कि बाबू कम से कम एक प्रश्न को बनाने में 4 से 5 मिनट आपको लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा लगा देते हैं, अरे भैया जब एक क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा लगेगा तो आप 6 से 7 क्वेश्चन बनाने में 3 घंटे का टाइम बिता दीजिएगा। तो ये राइटिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए, लिखने का स्पीड होनी चाहिए। ये चार काम आप करिए, सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटिए, गाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, याद करिए, समझिए, अपने जो भी प्रश्नों को याद करें अपने भाषा में याद करें, एग्जाम में भी लिखे तो अपने भाषा में लिखे, और राइटिंग स्पीड मेंटेन कर लीजिए, देखिए आपका एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए ये तरीका जो है ना बहुत कारगर सिद्ध होने वाला, जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा मैं ट्विक नहीं बताऊं, क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट छाटिए, गाइड से इंपॉर्टेंट छाटिए, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, राइटिंग सुधार लीजिए, काम खत्म हो गई। बाबू ये बहुत मेहनत के बाद आपको ट्विक बताई जाती है, तो इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए। जो जो बच्चे इस बार इस साल टॉपर की आप तैयारी करना कर रहे हैं, या जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं इस साल, उन सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि सारे बच्चे इसके अनुसार तैयारी कर सके। चलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।